नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। एनएसजी ग्रुप में भारत की एंट्री को रोकने के लिए पाक ने चीन से मिलाया हाथ। चीन ने कहा, दोनों को मिले एंट्री वरना किसी को ना करें शामिल। एनएसजी में शामिल होने के लिए भारत ने दिया था आवेदन। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ 6 महीने के लिए निलंबित। 55 सदस्यों ने रूसेफ के खिलाफ महाभियोग चलाने की दी मंजूरी। उपराष्ट्रपति मिचेल टेमर ने अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। भारत बांग्लादेश संबंधों पर बोले भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर, आतंकवाद से लड़ने में बांग्लादेश का अहम साथी है भारत। 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरे पर थे जयशंकर। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का दावा, महिलाओं की आड़ में भारतीय लड़ाकों की हो सकती है आईएस में भर्ती। अर्जेंटीना, श्रीलंका और फिलीपींस की हैं आईएस की शातिर महिलाएं। यमन के बंदरगाह शहर मुकल्ला में हुए आत्मघाती हमले, 13 सुरक्षा कर्मियों की मौत, आईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। WHO ने टीबी के नए इलाज को दी मंजूरी। हर साल करीब 4,80,000 लोग टीबी से होते हैं संक्रमित। 9 महीने तक चलने वाले नए इलाज में 80% तक रोग मुक्त होने की रहेगी संभावना। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए जीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।